action! मैं निकल तेरी घर से, तेरे बाप को लेके आता हूँ मैं। क्यों हिला डाला ना? तो भाई लोगों क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा शो जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हो जाएगा स्लो, इसलिए अपनी आंखों को देना आराम वरना बॉडी के सारे ऑर्गन बोलेंगे त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक करके कर देना कमेंट वरना मेरा दिमाग हो जाएगा गरम। और तुमको तो पता ही है मेरा दिमाग गरम हो गया तो क्या होगा, तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आई नो इससे पहले कि आप लोग बोले कि ये टेक्नोलॉजी कहीं देखेले लगता है मेरे को, और इस रोबोट का थोबड़ा किधर किधर सुनेला लगता है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी उठाई गई है रावण से और इसका थोबड़ा उठाया गया है रजनीकांत की रोबोट मूवी से और दोनों के नाजायज संबंध से ये रोबोट पैदा हुआ जिसको हम बोलेंगे राबोट। देखो ये रोबोट आंखों से बीम निकाल रहा है और सामने वाले को करंट लग रहा है, अबे दिखाना क्या चाहते हो। और बस यही नहीं, ये रोबोट हवा में सुपर हीरो की तरह उड़ भी सकता है और ये रोबोट ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और फ्लैश की तरह सुपर स्पीड भी है इसके पास। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? मैंने बनाया है इसे, ये है मेरी क्रिएशन। और भाई टीवी सीरियल वाले अपने सीरियल में केवल एक दो मूवी की कॉपी नहीं करते, कम पड़े तो तीसरी भी घुसाई देते हैं। अब सोचो ये रोबोट है जिसे रोकने के लिए कोई कोड नहीं बल्कि एंटीडोट की जरूरत है। नाना जी ने मुझे बताया था सिर्फ मेरे खून से रोबोट को रोका जा सकता है। क्या, अबे एक बात बता, जब रोबोट इसने बनाया है तो एंटीडोट नाना जी ने कैसे बना दिया? ये तो वही बात हुई, बीमारी का पता नहीं वैक्सीन पहले ही बना ली। अरे ये तो खून चिपकते ही निकल ली। अरे यार इसे तो बनाने वाला भी बोल रहा होगा, तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कचरा हो। और भाई लोग तुमने आज तक जानवरों में मिक्स ब्रीड देखी होगी ना, लेकिन हमारे टीवी सीरियल वाले ऐसे ऐसे परजीवी में मिक्स ब्रीड बनाते हैं कि देख के समझ में ही नहीं आता कि इसे क्या नाम दे। अरे अरे अब तुम ही बताओ भाई, इस जानवर को तुम लोग क्या बोलोगे जिसका मुंह सुअर का, हाथ इंसान के, पैर घोड़े के और पर पक्षी के? अरे इसकी मम्मी जंगल गई थी या सारे जानवर घर पे आए थे जो ऐसी मिक्स ब्रीड पैदा हो गई? अब मेरा मतलब है, अब तुम लोग बताओ उसको क्या बोलना चाहोगे? हमारे देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। और भाई लोग तुम लोगों ने तो देखा ही होगा कि चोर हमेशा कीमती सामान चुराते हैं, लेकिन कभी तुमने ऐसा चोर देखा है जो लोगों की बोलने की शक्ति चुरा ले? जी मैं माफी चाहता हूँ, लगता है रागिनी की आवाज। नहीं नहीं बस यही दोनों नहीं, इस पार्टी में जितने भी लोग थे सारे बन जाते हैं जब्बा और जैसे ही सुपर कॉप्स आते हैं उनको सुनाने लगते हैं अपना दुखड़ा। रणवीर इन लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। चिप्स मांग रहा है। जब जानना चाहते हो ऐसा कौन कर रहा है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देयर इज अ गर्ल जिसके पास है एक पालतू मॉन्स्टर और वो सबकी आवाज छीन लेते हैं जैसे बिना गाड़ी के रेडिएटर। आज मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं दुनिया के किसी भी इंसान को बेजुबान बना सकती हूं। आई नो सब जानना चाहेंगे कि भाई सब तो कुत्ता बिल्ली पालते हैं, दीदी ने मॉन्स्टर कैसे पाल लिया? इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल दीदी घूम रही थी एक दिन जंगल में, तभी उनको मिलता है ये मॉन्स्टर जिसको लगा था तीर और दीदी उसका तीर निकाल देती है जिसके बाद बन जाते हैं एक रांझा और एक हीर। पर हैरानी की बात ये है, इस मॉन्स्टर को तीर लग जाए तो वो चलता है लेकिन इस पे गोलियों का असर नहीं होता। पर अब हमें पता चलता है दीदी की इच्छा कि दीदी ने खाई है कसम कि वो सुपर कॉप्स को कर देंगी जड़ से खत्म। जब तक मैं अपने एक एक दुश्मन को जान से नहीं मार दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे दीदी और कितना बैठोगी, इसके बाद बैठने को बैठना नहीं लेटना कहते हैं। अब भाई चोरी चकारी की बात चली गई है तो एक और शक्ति दिखा देता हूँ, इसने तो केवल आवाज चुराई है, ये बंदा सीधा लड़कियों का दिल चुराता है।
आइसक्रीम मत खाइएगा। क्या हो क्या गया तुम्हें? अरे कहाँ जा रही हो तुम? मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। दरअसल इस लड़के की ये लड़की है बंदी, लेकिन इस जादूगर ने उस पे ऐसा जादू किया ये उसके प्यार में हो गई है अंधी, जिसको सुलझाने के लिए सुपर कॉप को बीच में आना पड़ता है। एक आदमी आया, पता नहीं उसे क्या कहा, कह रही कि वो उसका सच्चा प्यार है, जबकि इसका सच्चा प्यार तो मैं हूं उसका। पहले जब मैं छोटा था तो भगवान से मांगता था, ये भगवान मुझे भी स्पाइडरमैन या सुपरमैन जैसी शक्ति दे दे, लेकिन इस शक्ति को देखने के बाद बोलूंगा ये भगवान बस ऐसी शक्ति एक बार दिला दे। वैसे स्पाइडरमैन से याद आया तुमको, इलेक्ट्रो तो याद ही होगा। तुम्हें पता है वो इंडिया में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम तवे पे रोटी बनाते हैं। ये क्या बात करता है यार। अरे अगला सीन देखो, खुद समझ जाओगे। देखा हमारे भारतीय नारी का औजार कैसे रोक लिया इलेक्ट्रो का वार। स्पाइडरमैन को बस यही तो पता नहीं था, वरना वो भी तवे लेके घूमता ना। और अभी तो रुको, इलेक्ट्रो को खत्म कैसे करना है वो भी दीदी तुमको सिखा के ही जाएंगी। देखा हमारी भारतीय नारी केवल दो उंगली से इलेक्ट्रो पे भारी। आज समझ में आया कि जब स्कूल में टीचर को दो उंगली दिखाते थे बाथरूम जाने के लिए तो वो मना क्यों कर देती थी। अच्छा, और आज तक हम लोगों ने सुना था कि लड़कियां लड़कों का भेजा खाती हैं, लेकिन इस शो से मेरे को पता चला कि कभी कभी लड़कियां लड़कों को पूरा ही खा जाती हैं। आगे स्वाद। और हाँ, हमारे यहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे सुपर विलन मिलते हैं ना, जिन्हें देख के तुम्हें डर कम हंसी ज्यादा आएगी। मैं हूँ खलनायक। एक बार को इसके सफेद टकले को छोड़ के इसके मेकअप को भी छोड़ दो, लेकिन इसने कपड़े कैसे पहने हैं? उर्फी जावेद का भाई है क्या? इससे अच्छा तो अपनी मम्मी का ब्लाउज पहन लेता, कम से कम हम बोल तो पाते। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? भाई सही में विलन कम मोतीचूर का लड्डू ज्यादा लग रहा है। वैसे लड्डू से याद आया, भाई लोग जो भी लड्डू के शौकीन है सावधान हो जाएं, क्योंकि उसकी वजह से तुम लोग माँ बन सकते हो। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इनके पेट में बच्चा है। अरे दीदी तुम क्यों इतना चौंक रही हो, इसको माँ बनाने वाली भी तो तुम ही हो। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ यार, दरअसल इन दीदी के पास एक बार आई थी चार औरतें और इसको दिया था एक लड्डू, जिसको इसने अपने पति को दिया और इसको खाते ही और अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि ये इकलौता नर है जो अब मादा बन गया है तो भैया थम जाओ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीवियां हैं जो अपने पति को माँ बनाने पे तुली हुई हैं। तो भैया अगली बार बीवी तुम्हें लड्डू खिलाए तो थोड़ा बच के, क्योंकि माँ बनने के बाद बच्चा निकालोगे कहाँ से ये जरा सोच के। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये सारी आपदाएं क्या मुंबई शहर पे ही आती हैं? हमारे भारत में बाकी के शहर नहीं है? क्योंकि तुम्हें जान के हैरानी होगी, एक बार तो मुंबई शहर पे मक्खियों ने हमला कर दिया था। आई नो काफी लोग सोचेंगे अरे भाई मक्खियां कैसे मार सकती हैं इंसान को, अरे भाई लोग तुम खुद ही देख लो ना। और भाई ये ऐसी वैसी मक्खियां नहीं है, पढ़ी लिखी मक्खियां हैं, क्योंकि मारने से पहले ये तुम लोगों को बताएंगी कि तुम्हारे साथ क्या करने वाली हैं। मार डालो इन्हें। और अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये मक्खियां एक साथ मिलके खतरनाक मॉन्स्टर में विकसित हो सकती हैं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है ये मक्खियों को इतना सब कुछ किसने सिखाया है। चलो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन इनको रोकने के लिए सुपर कॉप्स क्यों आए हैं? अरे भैया ये काम नगर निगम वालों का है, उनको बोलो, ये तो उनका भी धंधा खा रहे हैं, सुपर कॉप्स होने के बाद भी मक्खी मच्छर मार रहे हैं। अब भैया मक्खी लोगों ने हमला कर ही दिया तो मच्छर लोग पीछे कैसे रहते हैं? लगे तो उन्होंने भी शहर पे हमला कर दिया। और भैया तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि ये डेंगू वाले मच्छर हैं, और सबसे बड़ी बात इन मच्छरों का एक राजा भी है जिसका नाम है मच्छरों का राजा है अपुन। डेंगूला, डेंगूला है अपुन।
अब तुम लोग इसकी भाषा से तो समझ ही गए होगे कि ये ऐसा वैसा नहीं एक नंबर का टपोरी मच्छर है। अपुन रेगुला, अपुन इधर खून पीने आयला, अपुन ना अपने अंतर लोगों को भी साथ लाए लाए। और ये मच्छरों का राजा इतना खतरनाक था कि इसको सुपर कॉप्स भी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन फिर हुआ वो चमत्कार जिसके आगे हर आदमी है लाचार। वो कहते हैं ना, औरत जब मुंह खोलती है तो लड़ाई होती है, पर ऐसा नहीं है, कभी कभी औरत मुंह खोलती है तो तबाही भी रुक जाती है। फिर दीदी ने ऐसी भरी हुकार कि मच्छर हो गया लाचार, और आखिरी में ये मच्छरों का राजा भी मच्छर की मौत मरा। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। आई नो मैं बालवीर पे वीडियो लेके आने वाला था, लेकिन उस पर ला नहीं पाया बिकॉज अभी भी रिसर्च चली रही है। जैसे उसकी रिसर्च कंप्लीट होगी उस पर वीडियो आ जाएगी, शायद नेक्स्ट वीडियो उसी पे हो। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।